प्रदेश में ना जाने कितनी ही बेटियां दहेज की बलि चढ़ गई है। प्रदेश में आए दिन दहेज प्रताड़ना के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला कैथल में कलायत के बरसीकरी गांव से सामने आया है, जहां दहेज के लोभी और पुलिस कांस्टेबल ने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। चीका के वार्ड 17 निवासी गुरबचन सिंह ने बताया कि उसकी बेटी पूजा की शादी 2020 में कैथल में कलायत के बरसीकरी निवासी बलवान सिंह उत्तर रामदिया के साथ हुई थी। बलवान हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है और वो अपनी पत्नी को अक्सर दहेज कम देने को लेकर प्रताड़ित करता रहता था। 2020 को हमने मेरी सबसे छोटी सिस्टर उसकी शादी की थी गांव बरसीकरी में, और जो जीजा जी थे वो पुलिस में थे कांस्टेबल शुरू से ही। लेकिन शुरू से ही वो बोलते थे भाई मेरी बननी नहीं आपके साथ, क्योंकि वो थे नौकरी पे। वो बोलते थे भाई मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं सरकारी नौकर हूँ, मुझे तो गाड़ी वगैरह चाहिए। लेकिन पापा ने उस टाइम बोला भाई चलो बेटे आपको गाड़ी मिल जाएगी। जब हमारे कार्ड वगैरह छप चुके थे ना उस टाइम भी उसने शादी से इनकार करने की कोशिश की थी भाई मैं शादी नहीं कर सकता किसी कारणवश, जबकि वो झूठ बोल रहा था। उसकी डिमांड ये थी मुझे गाड़ी चाहिए, तो पापा जी ने बोला भाई आपको गाड़ी मिल जाएगी कोई बात नहीं, भाई आप जितना मेरे से हो सका जितना मुझसे बन सका मैं अपना कर रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम दे मेरे को मैं आपको गाड़ी भी दे दूंगा। लेकिन चल जैसे तैसे हमने अपनी योग्यता के अनुसार जितना मेरे पापा से बन सका, मजदूरी मेरा डैडी जी मजदूरी करते हैं, जितना इससे हो सका उसने अपने पूरी योग्यता के अनुसार शादी की। कल मेरे पास इसने फ़ोन किया मेरी गुड़िया ने, बोले डैडी मेरे को आगे ले जा मेरे को मारने की धमकी दिया, नहीं मेरे को जान से मार देंगे। मैं बोला बेटे मैं सवेरे आ जाऊँ कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो जी वो लगे कारण फिर मैंने उसे फोन करा बलवान से, माँ बलवान के बात है क्या डैडी इसको ले जा रहा अपना सामान ठाके ले जा, नहीं मैं उसको मार दूंगा जान से मार दूंगा, आज नहीं रहा टप दीगा। उसने ये बात करके जी कॉल काट दी। पर आपको लोगों को पैसे कैसे पता कितने बजे पता लगा कि आप लड़की? मेरे को लगे ये 2:45 बजे पता, 8:45 बजे उन्होंने कॉल करी है, ये मेरे फोन में सारी डिटेल है जी। तो फिर मौके पे आप गए? मौका नहीं, रात में चला गया जी मैं। फिर मेरे पास तो मतलब जब उन्होंने मार के पक्खे मतलब मार मूर के ला ले तो इन्हें अपना सार के अपना पक्खा बैठा दीजिए, तो छोकरी मेरी मतलब बेड पे बैठी थी, पैर इतनी दूर 1-1 फुट दूर थे जिसके जमीन से मतलब लंबे पैर थे, तो जी अपना 3 फुट की ला ले मतलब छत पे ले मतलब पक्खा लगा था जी, वो मतलब सिर लगा था तो छत में तो मतलब पक्खा था जो वो सिर लगा था, तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं जितनी ला ले उसकी लंबाई थी पक्खा की मतलब सिर लगा था मेरे कहने का मतलब, तो उसने 3 फुट की पारखी छोरी नीचे बैठी है जी जिस टाइम हम गए हैं जी। तो मौके पे आप लोग गए घर के उनके परिवार के सदस्य मिले हो? कोई हमारे को घर पे कोई नहीं मिला जी, वहाँ मतलब स्टाफ जा रहा है जी और कोई नहीं मिला जी। तो क्या मांग करते हो आप लोग? हम तो यही मांग रखते हैं जैसे मेरी लड़की मारी है इसको ऐसा मारा जाए और सख्त सख्त मतलब इसको मतलब सजा दी जाए। वहीं कलायत DSP सज्जन सिंह ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों ने उसके पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने कांस्टेबल और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मामले में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी जाएंगी। जैसे रात को हमें सूचना मिली थी तुरंत मौका स्पॉट विजिट करी तो देखा तो लड़की ऐसे हैंगिंग थी और फॉरेंसिक टीम भी हमने बुला ली थी। जो भी है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, कंप्लेन ले ली है, FIR दर्ज कर दी है 304B में और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट होगी वो तो फाइल पर लगाई जाएगी और जल्दी बंदों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने। ये लड़की तो चीका की है और ये बड़सिकरी खुर्द में हुआ है ये घटना, और लड़का पुलिस में कॉन्स्टेबल है और उसको हमने राउंड अप भी कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन का मैटर करेंगे, तफ्तीश कर रहे हैं, गिरफ्तारी जस्ट आफ्टर अरेस्ट इसकी पोस्टमार्टम कर देंगे बिल्कुल। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब केसरी TV के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।